सीख के यहाँ से जाने वाली। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है चीनू शिलारना, और इनफैक्ट मेरे पहले पिक्चर के शूटिंग में इन्होंने भी ना तुम जानो ना हम में मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया था। तो आज यू नो उसके बाद हम साथ में आज शूटिंग कर रहे हैं फूट फूट के लिए। तो ज़रूर ये शादी के बाद मैंने खाना बनाना सीखा। तो जब तक शादी हो गई उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। उसके पहले शी यूज़ टू यूज़ हर ओवन एज अ कबर्ड, तो मैंने वो ओवन ले लिया मेरे खुद की केटरिंग के लिए, क्योंकि वो सिर्फ स्टोरेज के लिए वो एक बार भी ऑन भी नहीं किया था। Now she's become a really good cook actually. Yeah, and सब खाना बनाने के टिप्स चीनू को एक फ़ोन लगा दो, और अगर भरत को इम्प्रेस करना है तो नए नए रेसिपीज वो मुझे बताते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं एक सिंधी फैमिली से आती हूँ। मेरे इन लॉज सिंधी हैं, तो दे आर हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियंस एंड दे लव फूड एंड दे लव फूड। भरत इज़ अ फूडी, तो उन्हें सी फूड बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने शुरू शुरू में पात्रानी मच्छी वो सीखा था बनाना, और फिर गोन करी, देन वेजिटेरियन खाउस हुए एंड चॉकलेट फोंडो। या क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हर एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि एक्चुअली ये सीखी है और करती है और रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो पहली बार जो बनाया था आपने मच्छी और तो टेस्टी बहुत था, उन्होंने पूरा ख़त्म किया, और बेस्ट पार्ट इज अगला दिन उनका पेट में कोई गड़बड़ नहीं हुआ। आज हम चॉकलेट कपकेक्स विथ चॉकलेट गनाश बनाने वाले हैं। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, और क्योंकि ईशा ऑलरेडी चॉकलेट के डिजर्ट बनाती है, आई एम गोइंग टू जस्ट गाइड हर एंड शी इज़ गोना मेक इट। मम्मी तो कभी खाना नहीं बनाते थे पहले, लेकिन जब हम स्कूल में थे तो यू नो वी यूज़ टू टेल मम्मा दैट एवरीवन्स मदर कुक, सो यू प्लीज़ मेक समथिंग। सो शी स्टार्टेड लर्निंग फ्यू थिंग्स। माय मदर मेक्स वेरी गुड रसम, अदरवाइज माय सिस्टर एंड मी वी एंजॉय कुकिंग, सो वी कुक एंड गिव हर। बिल्कुल। मम्मी को भी रसम बना के खिलाया है, फिर वेजिटेरियन खाउस हुए, और कभी कभी कुछ भी बनाती हूँ शाम को, सैंडविचेस यू नो मशरूम टोस्ट लाइट। शी इज़ नॉट अ, मम्मा बहुत ख्याल रखती है अपने खाने का, तो उन्हें बहुत लाइट चीज़ ही खिलाते हैं। ईशा अच्छी बात भी इस बार आपकी मॉम जीत भी गई है, एक्सट्रीमली प्राउड फॉर माई मदर। उन्होंने बहुत मेहनत किया कैंपेनिंग के समय, और हम भी गए थे 3 बार मम्मी को सपोर्ट करने, तो एक अलग एक्सपीरियंस रहा। गांव-गांव में गए हम सबसे यू नो वोट मांगने के लिए, और एंड रिजल्ट वाज वेरी गुड, क्योंकि उनका जीत भी एक बड़ा मार्जिन से हुआ, 3.5 लाख वोट्स शी वन बाय, सो दैट्स ब्रिलियंट। मैं तो मम्मी से हमेशा कहती हूँ, इनफैक्ट मैंने मथुरा के वासियों को भी यही कहा है कि आपने तो मम्मी को चुना है, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान ने उन्हें चुना है। आई थिंक मैरिज इज अ न्यू फेज, अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज इन एनी गर्ल्स लाइफ, एंड वी ऑल हैव बीन वर्कोहॉलिक्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 17-18, तो हम सब शादी के बाद भी, चीनू भी काम करती है, मैं भी काम करती हूँ, डांसेस बहुत शोज हो रहे हैं मेरे, और प्रोडक्शन शुरू कर रही हूँ मैं खुद का, नाइस डिफरेंट काइंड ऑफ स्मॉल बजट मूवीज विच पीपल आर एंजॉयिंग नाउ। सो आई एम अ क्रिएटिव पर्सन एंड माय हस्बैंड सपोर्ट्स मी, सो डेफिनेटली वर्क इज़ गोना बी ऑन ओनली ऑलवेज।